सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शालिनी मौर्य एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसे कर सकते हैं, जहाँ पे इसका बस्ट साइज 40 इंचेस है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये शाइनी फैब्रिक लिया हुआ है। अब हमें इसको दो लेयर में फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 16 इंच और इसकी वेथ हमने ली है 12 इंच। अब इसके बाद हमने जहाँ पे इसकी लेंथ को मेज़र किया है इस तरीके से इसको मिला देंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 7 इंच का शोल्डर का मार्क लगा रही हूँ। यहाँ पर 2 इंच का गैप देते हुए मैं गले का निशान लगा रही हूँ 5 इंच और यहाँ पे गले की लंबाई मैं ले रही हूँ 8.5 इंच। उसके बाद हमें इसको इस तरीके से मिला देना है। फिर मैं यहाँ पे कॉर्नर से यहाँ पे 1 इंच का इस तरीके से मार्क लगा के इसको राउंड शेप में कर देना है। और यहाँ पे मुझे गले की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको 1/2 इंच यहाँ पे कम कर दिया है मैंने, और पूरे शोल्डर को मैंने 6 इंच कर दिया है। अब यहाँ पे आर्म होल का निशान मैं लगा रही हूँ 6.5 इंच। और उसके बाद मैं यहाँ पे 1/7 इंच का भी निशान लगा रही हूँ। अब इसको गोलाई देने के लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क लगा के इस तरीके से इसको राउंड शेप में कर दूँगी। और अब यहाँ बॉटम से मैं 1/4 इंच का मार्क लगा रही हूँ और उसके आगे मैं 1/6 इंच का भी मार्क लगा रही हूँ। और फिर इसके बाद हमें इसका हाफ लेना है यानी कि 5 इंच। अब उसके बाद हमें इसको ऊपर के साइड में 4 इंच तक स्ट्रेट लाइन खींचना है और फिर हमें ऊपर के साइड आर्मोल के बीच से एक लाइन को इस तरीके से राउंड शेप में लाते हुए उस लाइन में मिला देना है। और फिर उस निशान से हमें 2 इंच की दूरी पर एक मार्क और लगाना है और फिर उस निशान को हमें पहले वाले निशान पे 4 इंच नीचे लाकर मिला देना है, बिल्कुल इस तरीके से। और बॉटम पे हमें 4 इंच नीचे से जो हमने साइड में 2 मार्क लगाए हैं वहाँ पे इस निशान को ले जाकर मिला देना है। नीचे के साइड वो निशान 2 इंच स्ट्रेट रहेगा और आगे के साइड वाले निशान को हमें 1/2 इंच ही स्ट्रेट रखना है नीचे। इसके बाद आर्मोल पे जो हमने 6.5 इंच का एक मार्क लगाया था इस निशान से हमें उस निशान को इस तरीके से मिला देना है और फिर हम बॉटम के साइड इस तरीके से 1 इंच का निशान लगाएंगे और उसको इस तरीके से मिला देंगे। और अब हमें इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैं नेक लाइन को नहीं कट कर रही हूँ, नेक लाइन को मैं बाद में सिलते टाइम कट करूँगी। और कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर दिया है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 10.5 इंच और इसकी लंबाई मैं सेम फ्रंट पार्ट की तरह ही 16 इंच ले रही हूँ। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच का शोल्डर रहेगा हमारा और फिर यहाँ पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच। उसके बाद हमें यहाँ पे 2 इंच का इस तरीके से कॉर्नर पे मार्क करके इसको राउंड शेप देना है। अब हम यहाँ पर गले की लंबाई ले रहे हैं 2 इंच, फिर हमें इसको राउंड शेप देना है। उसके बाद जस्ट हमें इस तरीके से पूरे फैब्रिक की कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। हमें जस्ट इसको हाफ करके फोल्ड कर देना है। अब इसके बाद नीचे के साइड से मैं यहाँ पे 2.5 इंच का एक मार्क लगा रही हूँ। अब इसके बाद ऊपर के साइड भी जहाँ पे हमने गले का निशान लगाया था वहाँ से भी हमें 2 इंच का इस तरीके से निशान लगा लेना है। इसकी चौड़ाई हमें लेनी है 3.5 इंच। बिल्कुल इसी तरह 3.5 इंच का निशान हमें नीचे भी लगाना है और फिर हमें इसको इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पे कॉर्नर पे हमें थोड़ा सा इसको राउंड शेप में करना है
अब इसके बाद हमें इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल जैसे ही हमने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करी है, ऐसे ही हमें लाइनिंग पर भी कटिंग कर लेना है। इस तरीके से गले की कटिंग करने के बाद आप चाहें तो सेंटर से इसको अलग कर सकते हैं, सिलाई करने से पहले या सिलाई करने के बाद भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से लिया है और मैंने जो दो पीसेस अलग अलग कट किए थे उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से उल्टा करके रखूँगी और यहाँ पे हमें 1/2 इंच का फैब्रिक लेते हुए सिलाई करना है। यहाँ पर हमें दोनों फैब्रिक को एक बराबर रख के थोड़ा थोड़ा करके सिलना होता है। ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी फैब्रिक ज़्यादा या कम ना आए सिलाई में। अब बिल्कुल इसी तरह हमें दूसरे पार्ट की भी सिलाई कर लेनी है इस तरीके से, और फिर हमें इस तरीके से लाइनिंग को भी स्टिच कर लेना है। ये हमारा लाइनिंग है। अभी फैब्रिक के एजेस पे हमें इंटरलॉक कर लेना है ताकि फैब्रिक के जो थ्रेड्स है वो बाद में बाहर नहीं निकलें। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक को हमें लाइनिंग पर इस तरीके से उल्टा रखना है और गले को इस तरीके से 1/2 इंच लेकर सिलाई कर देना है। गले की सिलाई करने के बाद अब हमें बॉटम पर भी 1/2 इंच लेते हुए सिलाई करना है। अब गले पे हमें सीजर से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से कट लगाना है ताकि हमारा गले का जो शेप है वो अच्छी तरीके से पलटने के बाद अपने शेप में आ जाए। ये ध्यान रखना है कि हमने जो थ्रेड से सिलाई किया है वो ना कटने पाए। उसके बाद हमें इसको अच्छे से पलट कर सीधा कर लेना है। अब इसके बाद बैक साइड पे हम टाई करने के लिए फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर दिया है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच और इसकी लंबाई मैंने 14 इंच ली है। फैब्रिक के दूसरे साइड हमें इसकी चौड़ाई 2 इंच कम कर देना है। उसके बाद हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। इस तरीके से मार्क करने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी कट कर लेना है। उसके बाद फैब्रिक को हमें इस तरीके से उल्टा करके 1/2 इंच लेते हुए इस तरीके से सिलाई कर देना है। ऊपर के साइड हमें इसको खुला रखना है। सिलाई करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है। यहाँ पर हमने दोनों पीसेस को इस तरीके से पलट लिया है। अब इसके बाद हम फैब्रिक का एक छोटा सा पीस लेंगे जिसकी चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच है और लंबाई 3.5 इंच है। इसको मैंने 1/2 इंच इस तरीके से सिलाई कर दिया है। अब इसके बाद हमें इसको पलट लेना है। बेसिकली इसको हम बैक साइड के नेकलाइन पर लगाने वाले हैं जहाँ पे आप हुक या बटन भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद हमें बैक पार्ट की सिलाई करनी है। इसके लिए मैंने लाइनिंग को इस तरीके से रखा है और मेन फैब्रिक को उल्टा करके रख रही हूँ। अब हमें इसके बॉटम साइड पर 1/2 इंच का फैब्रिक लेते हुए सिलाई करना है। अब इसके बाद हमें गले के साइड भी इस तरीके से 1/2 इंच लेते हुए सिलाई करना है। आखिर में पहुंचने के बाद हमने फैब्रिक का छोटा पार्ट जो स्टिच किया है उसको हमें इस तरीके से अंदर रखना है, लेकिन साइड से उसे स्टिच नहीं करना है, सिर्फ फ्रंट के साइड हमें इसको ज्वाइन करना है। इस तरीके से हमें सिर्फ इस साइड से उसको ज्वाइन करना है, न कि साइड से। अब इसके बाद हमने टाई करने के लिए जो बो बनाया है उसको भी हमें नीचे के साइड इस तरीके से डालकर अच्छे से उसको फैला देना है और फिर उसको भी 1/2 इंच लेकर स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे फैब्रिक के एजेस पर इंटरलॉक कर देंगे। उसके बाद हमें इसको पलट लेना है। पलटने से पहले हमें गले पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि वो अच्छे से अपने शेप में आ जाए। बैक साइड के दूसरे पार्ट को भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से सिलना है, लेकिन ऊपर के साइड हमें सिलाई नहीं करना है। पलटने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से एक पतली सी पट्टी लगाकर इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद हमें उसको अंदर के साइड इस तरीके से पलट कर हेमिंग कर देना है, जिसको हम तुरपाई करना भी बोलते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर टॉप स्टिच करना है
यानी कि एक डाप सिलाई चलाना है। ऊपर के साइड हमें एक इंच का एरिया छोड़ देना है और उसके बाद पूरे गले पे हमें डाप सिलाई चलाना है। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों पर भी हमें डाप सिलाई चलाना है। अब इसके बाद आप फ्रंट पार्ट पे चाहें तो पैड भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें बैक और फ्रंट पार्ट को लेना है। इस तरीके से दोनों के शोल्डर को मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साइड और लाइनिंग को लाइनिंग के साइड इस तरीके से रखकर हमें हाफ इंच लेते हुए सिलाई करना है। अब इसके बाद हमें इसको सीधा कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह हमें दूसरे शोल्डर को भी अटैच कर लेना है। अब इसके बाद हमें आर्मोल के शेप में एक लाइनिंग का फैब्रिक कट करना है और इसको हाफ इंच लेकर हमें सिलाई करना है। उसके बाद इसको अंदर के साइड पलटकर हमें हेमिंग कर देना है। उसके ऊपर से भी हमें एक डाप सिलाई चला सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ से इस तरीके से इसको हेमिंग करना है। अब इसके बाद बैक साइड पे हमें दो डॉट लगाने हैं। इसके लिए गले से मैं एक 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और उसके दोनों साइड दो हाफ हाफ इंच के निशान लगा के इस तरीके से मिला दे रही हूँ। इसके बाद इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच करना है। इसके बाद बैक और फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से रख के एकदम एजेस पर सिलाई करेंगे। उसके बाद इसको हम उल्टा करेंगे और अंदर के साइड इसके फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई कर देंगे। ब्लाउज को फिट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर के साइड मैंने 3 बटन लगा दिए हैं और नीचे आप देख सकते हैं मैंने बो को टाई कर दिया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।